किनारे पर आकर हमेशा अच्छा लगता है। सच में एमरेट शहर बहुत खूबसूरत है। वो समंदर है दीदी ने। ठीक है रॉकी, बाहर आ जाओ। देखो समंदर कितना सुंदर है। रॉकी वाटर टाइप पोकेमॉन है, इसलिए वो बहुत ही खुश है। हाँ, ट्रेनिंग के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। पर मुझे किसी और जगह जाना है। कहाँ जाना है तुम्हें सेरिना? सारा एम्ब्रिज एक्वेरियम। एक्वेरियम बढ़िया, वहाँ बहुत सारे वाटर पोकेमॉन है, सब अलग अलग इलाके से। बिल्कुल ठीक, मुझे इस जगह पर पहले से जाना था। ये तो बहुत बढ़िया जगह होगी, यहाँ तो मुझे भी जाना है। तो फिर चलो चले। सिलाद शहर जाते जाते हमारे हीरोज ने एम्ब्रेट एक्वेरियम जाने का सोचा है, जहां उन्हें मौका मिलेगा अलग अलग वाटर पोकेमोन को देखने का। एम्ब्रेट एक्वेरियम में आपका स्वागत है। मुझे यकीन है तुम्हें सारे पोकेमोन पसंद आएंगे। मैं देखने के लिए बेताब हूँ। हमारा एक्वेरियम सबसे शानदार जगह है वाटर पोकेमोन को देखने के लिए। पॉनी, मैंने तुम्हें हजार बार कहा है ऐसा सब मत बोला करो। तुम मुझे हमेशा शर्मिंदा करती हो। उम्मीद है तुम इसके बारे में सोचोगी प्लीज। तुम सबका दिन अच्छा गुजरे। वाह, कितने सारे हैं। कितने सुंदर है। देखो गॉर्बिस, ये एक पिंक पोकेमोन है और बहुत ज्यादा क्यूट है। बढ़िया। वो रेलिकेंट है। तुम भी डर गए ना दीदी ने। ना 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 ना। बढ़िया स्टनफिश। तुम्हारा मतलब ऊपर लैंटर्न। बहुत सुंदर है। इतने प्यारे लग रहे हैं ना दीदी ने। लगता है जैसे हम सब पानी के अंदर हैं। इस तरह से तुम्हें वाटर पोकेमोन को देखने का मौका कभी नहीं मिलता। क्या बात है। हाँ सही कहा। हे, वो क्या है? वो मैंटीन है। बढ़िया है। इतना बड़ा है। जिसने भी इस एक्वेरियम को बनाया होगा उसे वाटर पोकेमोन के बारे में बहुत पता होगा। सही कहा। थैंक यू। और अभी आ रहे हैं कुछ मतलब कहने के लिए। सबसे कितनी आसानी से दोस्ती करता है। पिकाचू और मैं एक पिपलप को जानते हैं जो बहुत ही अलग है। हे, देखो मैजिकार्प। मैजिकार्प एक फिश पोकेमोन। क्योंकि सारे मैजिकार्प पानी उड़ाते हैं कुछ उन्हें कमजोर समझते हैं, पर असल में वो बहुत शक्तिशाली पोकेमोन है जो गंदे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। पर ये पानी तो बहुत उड़ाते हैं। तुम्हें पता है यहाँ के समंदर में बहुत मैजिक कार्प रहते हैं। आप कौन? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। वैसे दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के वाटर पोकेमोन हैं, पर आश्चर्य की बात है कि वाटर टाइप पोकेमोन सबसे कॉमन पोकेमोन है। मुझे ये नहीं पता था। देखो, अलग अलग टाइप के पोकेमोन इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समंदर में बहुत से अलग अलग टाइप के माहौल को ढूंढा है और उनमें रहने की आदत डाली है। वाह क्या बात है। तुमने बाहर देखा? क्या है? नहीं देखा। ये देखो। मैजिकार्प की मूर्ति। हाँ, और ये सोने की है। कितनी बड़ी मूर्ति है। ये मूर्ति बड़ी मैजिक कार्प की है।
तो उन्होंने इसकी मूर्ति क्यों बनाई? बहुत सारे लोगों के लिए मैजिक कार्प एक सपना है। अगर तुम्हें और जानना है तो मैं कहूँगा कि तुम उस आदमी से बात करो जो वहाँ है। वो इस एक्वेरियम के अध्यक्ष है। देखो मुझे अभी जाना है, उनके पास बहुत कुछ है तुम्हें सुनाने के लिए। चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चले। ओ वाह, इस सोने की मूर्ति को अगर चुरा कर बेचे तो बहुत पैसा मिलेगा ना हमें। इतने खुश मत हो म्याऊ, इस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होगा। सही कहा, अगर ये असली सोने का होता तो बहुत सिक्योरिटी होती। और अगर ये सच है तो उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर क्यों रखा है? शायद एक असली सोने की मैजिक आप समुंदर में कहीं तैर रही है। फिर देर किस बात की, चलो उसे पकड़ते हैं। ये तो बड़ी वाली है, ये तो पक्का है। सुनिए, क्या आप ये एक्वेरियम चलाते हैं? हाँ चलाता हूँ, क्यों? मेरा नाम रॉडमैन है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम मेरे पार्टनर से भी मिलो, क्लॉन्चर। क्लॉन्चर, क्लॉन्चर एक वाटर गन पोकेमोन। ये अपने पंजों से वाटर गन अटैक करता है और उसके दुश्मनों को घायल कर देता है। वाह, हम उस मैजिक आर्प की मूर्ति के बारे में जानने के लिए बेताब हैं। ओह, वो मूर्ति कमाल की है ना? वैसे मैं एक बात कहूँ, मैं खुद एक असली सोने की मैजिक आर्प पकड़ने के पीछे लगा हुआ हूँ। क्या सच में सोने की मैजिक आर्प है? प्राचीन कहानियों के हिसाब से तो हाँ। तो इससे पता चलता है कि वहाँ मूर्ति क्यों है? हाँ, बहुत साल पहले की बात है, काफी सारे लोग अपने खाली वक्त में यहाँ तैरने आते थे। एक दिन एक आदमी को स्टामी ने पानी के अंदर शॉक दे दिया और वो डूबने लगा। अचानक एक बड़ा सा गोल्डन मैजिक कार्प ना जाने कहाँ से आ गया और उसने उस आदमी को किनारे पर लाकर उसकी जान बचा ली। वाह, बिल्कुल वैसा ही बड़ा वाला गोल्डन मैजिक कार्प इस इलाके में कई बार देखा गया है। क्या बात है। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ के मेयर बहुत अच्छे हैं, तो जब मैंने उनको ये कहानी बताई उन्होंने तुरंत एक्वेरियम के लिए मैजिक कार्प की मूर्ति बनाई। एक्वेरियम के लिए उसको पकड़ना मेरा सपना है ताकि बच्चों को उसे देखने का मौका मिले। इस तरह एक्वेरियम में काफी सारे लोग आएंगे। आखिरकार एक्वेरियम का लक्ष्य है सबको जानकारी देना और मनोरंजन करना। आपका ख्याल बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, तुमने सुना ना? जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर लगी होती है, जिसका मतलब है अगर ये सच है तो हम माला माल हो जाएंगे। तो फिर चलो ऑपरेशन मैजिक कार्प पकड़ो शुरू करें। अब हम लोग कामयाब होकर रहेंगे। चलो मारो पेडल फुल स्पीड में। लगता है फंस गया। वाह, शायद मिल गया गोल्डन मैजिक कार्प। ये बहुत बड़ा है। मैजिक ये तो सोने का मैजिक आप नहीं है। जब भी मुझे ऐसे मैजिक आप मिलते हैं मैं उन्हें वापस समुद्र में छोड़ देता हूँ। आइडिया, मैं उसे पकड़ने में मदद करूँगा। मैं भी। हाँ मैं भी मदद करना चाहूँगा। वाह, लगता है मेरे साथ पूरी एक टीम है। ये लो। मुझे पूरा यकीन है कि उस गोल्डन मैजिक आर्प को मैं ही पकड़ने वाला हूँ। वो तो देखा जाएगा। क्या बात है? मैंने पहले कभी फिशिंग नहीं की। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। ओह क्यों नहीं। पहले अपने रॉड को इस तरफ पीछे ले आओ, फिर जितना दूर हो सके उतना दूर फेंको। चारा फेंको। इस तरह और ऊपर। ये ठीक है। अब जितना जोर है उतना लगाओ और फेंको। बढ़िया सरीना, तुम में कुछ तो बात है। वाह, तुम्हें लगता है। हेलो दोस्त, तुमसे मिलकर
बहुत खुशी हुई। लाल चक्र ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है लॉन्चर। वो क्या है? फंस गया, खींचो उसे जल्दी। मैं कोशिश कर रही हूँ। लगता है ये गोल्डन मैजिक कार्प ही है। हम तो वही मदद कर रहे हैं, खींचो। वाह, ये तो कोर्सला है। ये कितनी क्यूट है। सरीना, तुम उससे मुकाबला करके उसे पकड़ती क्यों नहीं? अगर तुम्हें उसे पकड़ना है तो तुम्हें उसका सामना करना होगा। हाँ, ठीक है, मैं गेंद बाहर आ जाऊं। तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए था फेनिकिन। तुमने उसका सामना क्यों नहीं किया? इस बार अचानक हुआ, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। ग्रॉन्चर, तुम एक्वेरियम में आए मेहमान पोकेमोन पर अटैक कैसे कर सकते हो? दरअसल ग्रॉन्चर पहले ऐसा नहीं था, वो यहाँ एक्वेरियम में रहता था और जो भी यहाँ आता था वो उससे बातें करता था, पर ग्रॉन्चर को शायद ये पसंद नहीं आता था। उसने खाना छोड़ दिया और दिन ब दिन बहुत उदास रहने लगा, इसीलिए मैंने उसे अपना पोकेमोन बना लिया। अब जब सिर्फ हम दोनों रहते हैं तब सब ठीक होता है। अच्छा, तुम भी ना। बॉनी, मैंने कहा था ना, डरने का नजर बहुत खतरनाक हो सकता है। सॉरी, मैं भूल गई थी। वाह, हमारी विशाल गोल्डन मैजिक का बोट तैयार है। ये कितना मजेदार है। असली गोल्डन मैजिक आपको लगेगा कि ये दोस्त है और जब वो पास आएगा तो हम उसे पकड़ लेंगे। सुनो क्लेमेंट, तुम क्या बना रहे हो? हो गया। क्योंकि साइंस की वजह से अब सब कुछ मुमकिन है। क्लेमेंटिक गियर ऑन। इसका नाम है वाटर पोकेमोन के खाने की जरूरत नहीं, चेंज योर मॉडल मैजिक अप मैग्नेट। तुम्हारे नाम हमेशा बोरिंग होते हैं पर इस बार लंबा भी है। चिंचाओ के एंटेना से एक आवाज निकलेगी जो समंदर के नीचे तक जाएगी पर इंसानों को सुनाई नहीं देगी। उस आवाज से मैजिक अर्थ पर असर पड़ेगा और वो इस तरफ आकर्षित हो जाएंगी और मेरे बेहतरीन डिवाइस के आसपास मंडराएंगी और तब हम उन सबको पकड़ लेंगे। वाह, साइंस का जवाब नहीं, तुम बहुत जीनियस हो। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। पावर ऑन। तुम्हें सच में लगता है कि वो काम करेगा? हाँ? क्या वो मैजिक आर्ट है? मुझे तो नहीं लगता। वो शार्पीडो है। हमेशा की तरह उनको आकर्षित नहीं होना था, सिर्फ मैजिक कार्प को होना था। मुझे लग रहा है कि वो गोल्डन मैजिक कार्प अभी तक हमें दिख जानी चाहिए थी। जरा रुको, तुमने वो देखा? वो बहुत बड़ा था। चलो उसे पकड़ो। फिशिंग करना बोरिंग है, कुछ फंसता तो नहीं? हाँ, अगर आपके पास कुछ काम नहीं है तो ये अच्छा तरीका है समुद्र के किनारे हवा खाते खाते मजे लेने का। हो गया। हाँ? क्योंकि अब साइंस की वजह से सब कुछ मुमकिन है। एक बार कोशिश करेंगे। क्लेमेंटिक गियर ऑन। इसका नाम है, इस बार ये सिर्फ मैजिक कार्प को आकर्षित करेगा लैंटर्न मॉडल।
तुम्हारे नाम अब भी बोरिंग है और पिछली बार की तरह लंबा नाम भी है। इस बार तुम्हें यकीन है ये काम करेगा? हाँ, मैंने एक्वेरियम में मैजिक कार्ड पर बड़े टेस्ट किए और फिर पता लगाया कि उन्हें कौन सी फ्रीक्वेंसी पसंद है। ये बेहतर डिवाइस एक स्पेशल आवाज छोड़ेगा समंदर के नीचे, बिल्कुल चिंचाओ मॉडल की तरह। मैंने पहले ही कहा था साइंस का जवाब नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। तुम्हें पक्का यकीन है ना? गोल्डन मैजिक कार्ड मेरे पास आओ अभी। कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है कुछ फंसा है। हाँ, मेरे में भी लगता है। मेरे पास भी फंसा है। मेरे में भी फंस गया। हमें कोई पीछे खींच रहा है। म्याओ, क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। पूरा जोर लगा के पैडल मारो। बहुत भारी है। मैंने इसके जैसा आज तक कभी नहीं पकड़ा। मैंने भी। अब मुझे और खींचा नहीं जा रहा। बड़ा है। क्या हमने उसे पकड़ लिया? हमने पकड़ लिया। ये गोल्डन मैजिक कार्ड है। क्या बात है, ये सच में वो ही है। हमने सच में पकड़ा। हमने सच में पकड़ा। क्या बात है, मेरा नया डिवाइस काम कर गया। बहुत अच्छे। पिकाचू, तुम लड़ने के लिए तैयार हो ना? ये क्या? उसी मत के लिए तैयार हो जाओ। तुमने कहा नामुमकिन। उसे झेलने के लिए भी हम करेंगे उसे मुमकिन। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी टीम टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं। इतने हो या नहीं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता हम लोग गोल्डन मैजिक कार्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? हमेशा बीच में आ जाते हो। ये लोग तो हमेशा गड़बड़ करते रहते हैं। ये लोग हैं कौन? ये बुरे लोग हैं जो लोगों के पोकेमॉन चराते हैं। चलो इनके पोकेमॉन को पकड़े और इन्हें दिखाएं कि टीम रॉकेट के काम में टांग अड़ाने का अंजाम क्या होता है। शुरुआत कौन कैसे करेंगे? चलो अंदर। ये तो बहुत तेज है। कोई बात नहीं, चलो उस डिडेने को पकड़ते हैं। डिडेने को बचाओ पिकाचू। तुम भी इनके शैडो बॉल इस्तेमाल करो। संभल कर क्लॉन्चर। इनके साइबी वॉटर गन इस्तेमाल करो। ट्रैप हैमर इस्तेमाल करो। अभी बबल भी। ठीक है पिकाचू, थंडरबोल्ट जाओ। शुक्रिया, मेरे डिडेने को बचाने के लिए शुक्रिया। क्लॉन्चर भले ही थोड़ा गुस्सैल है पर वो अच्छा पोकेमॉन है। क्लॉन्चर लगता है आज के लिए काफी है। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई और हम आपकी ज्यादा मदद भी नहीं कर पाए। आपके फिशिंग रॉड हमें इस्तेमाल करने देने के लिए शुक्रिया। तुम अब उसे अपने पास ही रखो, किसी दिन तुम्हारे काम आ सकता है। वाह, सच में बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसका ख्याल रखेंगे। हमें खुशी हुई। क्या वो वही था? ये कहानी बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। क्या बात है। वो असल में
रहे हैं। खुश है, खुश है, सब लोग खुश हैं। अब हमें चलना चाहिए। बढ़िया, तुम्हारे अगली बार आने तक मैं गोल्डन मैजिक आपको पकड़ ही लूंगा। हमें इसका इंतजार रहेगा। ना 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 वैसे हमारे हीरोज रॉडमैन को गोल्डन मैजिक आप पकड़ने में मदद नहीं कर पाए, पर उन्हें यह एहसास जरूर हुआ कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी खोज उन्हें अभी करनी है।